हेलो दोस्तों, गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं हाउ टू इंसर्ट द एलिमेंट्स इन द बी ट्री, मतलब हम बी ट्री को कैसे क्रिएट करते हैं। तो देखो, हमारे पास दिया हुआ है इंसर्ट द फॉलोइंग कीज इन द बी ट्री। ये हमारे पास की वैल्यूज दी हुई हैं जिनको हमने बी ट्री में डालना है, और बी ट्री का हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ है चार। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर की। तो ऑर्डर क्या होता है? मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ नोड कैन हैव, दैट इज योर ऑर्डर। मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन मतलब अगर हमारे पास एक, लेट्स से अगर ये नोड है, ये मतलब नोड मतलब जो भी हम लाइक ट्री डेटा स्ट्रक्चर हम यूज कर रहे हैं, तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, नोड होती है और एजेस होते हैं। तो एक नोड के कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज 4, ये हमें इससे पता लगता है। दूसरा पॉइंट हमें क्या पता लग रहा है इससे कि मिनिमम नंबर ऑफ कीज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज। तो देखो, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज हमारी कितनी आ सकती है, मतलब एक नोड के अंदर। तो आपको यहां पे कई बार आ रहा होगा डाउट, में भी अगर आपके माइंड में आ रहा है कि सर हम तो ट्री की एक नोड में एक ही एलिमेंट डालते हैं, लेकिन यहां पे इसकी नोड का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग होता है, इसमें हम ज्यादा एलिमेंट भी डाल सकते हैं, वो डिपेंड करता है ऑर्डर के ऊपर। तो देखो, अगर हमारे पास ऑर्डर दिया हुआ चार, तो मैक्सिमम कीज एक नोड में कितनी आ सकती है, दैट इज एक्चुअली पी माइनस वन, वेयर पी इज अ ऑर्डर। तो देखो, ऑर्डर कितना है, 4, 4 माइनस 1, 3, मतलब एक नोड के अंदर आप मैक्सिमम 3 कीज डाल सकते हो। और मिनिमम कितनी डाल सकते हो, मिनिमम का फॉर्मूला होता है पी बाय 2 की अपर वैल्यू, मतलब सीलिंग वैल्यू माइनस 1। तो अगर आप वैल्यू पुट करोगे पी की वैल्यू, मतलब पी इज अ ऑर्डर, तो 4 बाय 2, 2 माइनस 1, 1, मतलब मिनिमम कीज आपकी 1 आएंगी और मैक्सिमम कीज आपकी 3 आएंगी, ये हमें एक्चुअल में इससे पता लग रहा है। तो देखो, अब स्टार्ट करें इसमें, तो सबसे पहले हमें ये पता लग गया कि जो ये नोड है, इस नोड में इसकी नोड की स्ट्रक्चर इस तरीके से है, मतलब ये हमारा होता है ब्लॉक पॉइंटर जो नीचे, क्योंकि हमने बोला ना कि मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हो सकते हैं, 4, क्योंकि ट्री का जो दिया हुआ ऑर्डर वो कितना है, 4। तो देखो, ये इस तरीके से यहां पे हम सबसे पहले ब्लॉक पॉइंटर, इसको बोलते हैं ब्लॉक पॉइंटर या फिर ट्री पॉइंटर, जो नीचे वाले नोड की तरफ पॉइंट कर रहा है। फिर इसमें हम डालते हैं की वैल्यू, मैं यहां पे थोड़ा बड़ा करके बना देता हूं। लेट्स से हमारे पास यहां पे एक नोड किस तरीके से बनेगा, ये हमारा है ब्लॉक पॉइंटर जो नीचे वाले नोड को पॉइंट कर रहा है। फिर हमारी होती है की वैल्यू, और की के साथ हमारे पास होता है रिकॉर्ड पॉइंटर जो रिकॉर्ड को पॉइंट कर रहा है। जैसे हमने ओरिजिनल इंडेक्सिंग में भी देखा हुआ है कि रिकॉर्ड जो है वो आपका ओरिजिनल डिस्क में पड़ा है, तो उस डिस्क में किस लोकेशन में पड़ा है वो ये रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो पॉइंट करता है। देन हम जो है इसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर, ये ब्लॉक पॉइंटर जो है वो ट्री की नेक्स्ट नोड को जो है वो डिफाइन कर रहा है या उसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, इस तरीके से आप इसको बना लो। फिर हमारे पास की वैल्यू, और की के साथ हमारे पास रिकॉर्ड पॉइंटर। फिर हमारे पास नेक्स्ट यहां पे तीसरे चिल्ड्रन को डिनोट कर रहा है, मतलब तीसरी नोड जो है हमारा तीसरा चिल्ड्रन आप कह सकते हो। फिर हमारे पास एक की वैल्यू, रिकॉर्ड पॉइंटर, और फाइनली में ये हमारे पास जो बन गया फोर्थ चिल्ड्रन। तो देखो, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगी ट्री का जो ऑर्डर है चार, मतलब मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन हो सकते हैं, 4। तो देखो, ये मैक्सिमम कितने चिल्ड्रन बना दिए हमने, 4। तो ब्लॉक पॉइंटर कितने हुए, 4। जितने पी वैल्यू है, मतलब जितना ऑर्डर है उतने ही ब्लॉक पॉइंटर्स होंगे, क्योंकि हर एक ब्लॉक पॉइंटर जो है वो नोड को, चिल्ड्रन को पॉइंट कर रहा है। कीज कितनी होंगी मैक्सिमम, पी माइनस वन, देखो कितनी की है, 1, 2, 3। और रिकॉर्ड पॉइंटर भी कितने होंगे, जितनी कीज होंगी, क्योंकि जिस की के ऊपर हम बात कर रहे हैं उसी की को रिकॉर्ड पॉइंटर जो है वो डिस्क के ऊपर पॉइंट कर रहा है। तो ये एक तरीके से आपके पास स्ट्रक्चर बन गई। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एलिमेंट सबसे पहला डालना है 1। अब जब भी हम कीज को इंसर्ट करते हैं तो ये बीएसटी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, मतलब जैसे हम बाइनरी सर्च ट्री में क्या करते हैं, जो रूट होता है रूट के लेफ्ट में छोटा एलिमेंट, रूट के राइट में बड़ा एलिमेंट डालते हैं, बस उस चीज को हमने फॉलो करना है। तो लेट्स से सबसे पहले आई 1, तो देखो जो हमारा पहला द फर्स्ट नोड है, तो फर्स्ट नोड में हमने क्या किया, 1 डाल दिया। इसके साथ में यहां पे ब्लॉक पॉइंटर है, बनाना इस तरीके से मैंने बना दिया, ये ब्लॉक पॉइंटर नीचे वाले को पॉइंट करेगा। अभी तो हमने बनाया ही नहीं ना, अभी तो पहला ही नोड है, जब बनेंगे चिल्ड्रन तब वो पॉइंट करेगा, लेकिन यहां पे एक ब्लॉक पॉइंटर पड़ा है। इसके साथ रिकॉर्ड पॉइंटर है, रिकॉर्ड पॉइंटर को आपको बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सिर्फ यहां पे सिंपल ये वैल्यूज को इंसर्ट कर रहे हैं। 1 डाल दिया, अब ये नेक्स्ट ब्लॉक पॉइंटर हो गया जो नेक्स्ट वाले चिल्ड्रन को डिनोट करेगा, लेकिन अभी हमने बनाया नहीं है, जब बनाएंगे तब इसको कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट वैल्यू 2, तो देखो 2 1 से बड़ी है तो इसके राइट में डालनी है, अगर लेट से 0 होता या कोई भी माइनस 1 होता तो हम लेफ्ट में डालते, इस तरीके से आपको सॉर्टेड वे में ही चलना है। नेक्स्ट फिर हमारे पास ब्लॉक पॉइंटर आ गया, नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 3 हमने डाल दी,
और ये मेरा ब्लॉक पॉइंटर बन गया, मतलब 1, 2, 3, 4 ब्लॉक पॉइंटर। जैसा मैंने यहां पे बताया, 3 कीज हमने डाल दी, 3 से ज्यादा हम डाल नहीं सकते। अब हमने 3 वैल्यूज को डाल लिया, अब जो है वो 4 आया। जैसे ही 4 आया तो देखो ये क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि यहां पे मैक्सिमम कितने कीज आ सकती हैं, 3, और 3 आ चुकी हैं। अब जैसे ही 4 आएगा मतलब इसको ब्रेक करना पड़ेगा। अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो देखो कैसे ब्रेक करना है, सेम मीडियन फाइंड आउट करो और मीडियन के बेसिस पे आप इसको ब्रेक कर दो। तो देखो अगर हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स n है तो मीडियन कैसे निकालते हैं, जनरली n/2 से मिडल एलिमेंट। तो अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स टोटल एक तरह से 4 हो गए, क्योंकि आपके पास एलिमेंट कौन से हैं, 1, 2, 3, 4, तो इन चारों का मीडियन क्या निकलेगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। तो चाहे आप लेफ्ट ऑर्डरिंग फॉलो करो चाहे राइट ऑर्डरिंग, एक ही फॉलो करनी है। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो उसको फॉलो करना, नहीं तो लेफ्ट के बेसिस पे आप चल सकते हो। लेट्स से मैंने 2 को कंसीडर किया तो 2 आपका यहां से अप चला गया। अप का मतलब है कि 2 ने अपना एक नोड बना लिया। कैसे, ये देखो 2 ने अपना एक नोड बना लिया इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से। अब 2 के लेफ्ट में ब्लॉक पॉइंटर, ये नीचे अब किसको पॉइंट कर रहा है, अब देखो इस ब्लॉक पॉइंटर का यूज हो गया ना, ये ब्लॉक पॉइंटर जो है वो किसको पॉइंट करेगा। अब देखो 1 नीचे वाले में चला गया, मतलब 1 अब यहां पे आ गया। अब इसका भी पूरा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो बना सकते हो, वैसे इतना बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं है, आपको आइडिया आई थिंक अब हो ही गया। मतलब 2 खाने अभी खाली हैं, 1 इसमें ऑलरेडी आ चुका है, 2 ये रहा। अब 2 के जो राइट वाला ये ब्लॉक पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट करेगा, ये पॉइंट करेगा 3 और 4 को, क्योंकि 3 और 4 नीचे आ गए। अब देखो 3 यहां पर डाल दिया, 4 यहां पर डाल दिया, और ये इस तरीके से एक खाना हमारे पास खाली है। ये आपका जो है वो स्ट्रक्चर बन गया। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट 4 के बाद क्या आया, 5 आया। 5 कहां पे जाएगा, सबसे पहले आप रूट पे गए, ये रूट है आपका, तो देखो 5 2 से बड़ा है, यस, तो आपको राइट साइड में जाना है। अगर छोटा होता तो आप लेफ्ट साइड में जाते, तो राइट साइड में गए। 3, 4 के बाद आएगा, यस, बाद में आएगा 5। लेट्स सी अगर यहां पे 2.5 होता तो आप 2.5 यहां डालते, 3 और 4 आगे शिफ्ट कर जाते। इस तरीके से बस आपको वैल्यूज को इंसर्ट करते जाना है। अब 5 इसमें एडजस्ट हो गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ कीज कितनी आ सकती है, 3 आ गई। नेक्स्ट एलिमेंट आया 6। अब 6 के आते ही क्या हो गया, अगेन ओवरफ्लो हो गया। तो 6 के ओवर आते ही ओवरफ्लो हो गया, तो इसको फिर क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। तो ब्रेक करने के लिए वही 3, 4, 5, 6 मीडियन निकालो। लेफ्ट वाला ले लेते हैं, मतलब 4 और 5 दोनों ही मीडियम है, लेकिन लेफ्ट वाला लिया मतलब 4। तो करना क्या, आपको 4 को ऊपर पहुंचा दो। ऊपर मतलब यहां पे हमारे पास खाली है नोड में, जो रूट है रूट में हमारे पास जगह अभी खाली है, तो 4 को हमने यहां पे पहुंचा दिया। तो ये इस तरीके से आपका बन जाएगा, ये आपका 4। इसको मैं यहां से रब कर देता हूं, आप नोट कर लेना। तो देखो 4 जो है वो ऊपर चला गया, मतलब 2 के साथ चला गया। तो अब आपका जो है इस तरीके से बन गया, 2 के साथ आपका 4 एक जगह खाली है। अब मैं बार बार ब्लॉक पॉइंटर नहीं बना रहा, आप बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, वैसे कोई इतना जरूरी नहीं है। 1 यहां पे आ गया, लेकिन आपको समझना पूरा प्रॉपरली वैसे पड़ेगा। ये देखो, और ये आपका 3 यहां पर आ गया, ये देखो 3 आपका इस तरफ आ गया। ये देखो 3 जो है वो 2 से बड़ा है लेकिन 4 से छोटा है, मतलब ये जाना जो ब्लॉक पॉइंटर है ये एक्चुअल में इसको पॉइंट करेगा 3 को। अब देखो 4 के राइट में कौन चला गया, 4 के राइट में चला गया आपका 5 एंड 6। That's it. इस तरीके से बनाओ। अभी मान के चलो इसमें 2-2 खाने खाली हैं, आप इसमें एलिमेंट डाल सकते हो। नेक्स्ट आया 7। जैसे ही 7 आया, 4 से बड़ा है तो अब राइट में गए, 7 5 और 6 से बड़ा है तो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जा दिया। ये एक्चुअल में सारे इस तरफ ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि ये मैंने वर्स्ट केस लिया हुआ है कि अगर आपका डेटा ही अगर सॉर्टेड ऑर्डर में आ गया तो ऑब्वियसली आपको हर बार जो है इस तरीके से, अगर आप रैंडमली डेटा लोगे तो इजीली हो जाएगा, लेकिन मैं वर्स्ट केस इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि आप वर्स्ट केस को समझ जाओगे, वर्स्ट केस को, तो आप एवरेज या फिर बेस्ट केस को तो समझ ही जाओगे। दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग द वर्स्ट केस। अब देखो 7 के बाद क्या आया, 8। अब अगेन क्या हो गया, ओवरफ्लो हो गया, क्योंकि यहां पे 3 से ज्यादा कीज हो गई। अब क्या करना है, फिर वही 5, 6, 7, 8 में से हमने मीडियन निकाला, लेफ्ट वाले को उठाएंगे, मतलब दोनों मीडियन है 6 और 7, लेकिन लेफ्ट वाला उठाया 6 को ऊपर पहुंचा दो क्योंकि एक जगह खाली है। तो क्या बन जाएगा, 2, 4, 6, और 2 के लेफ्ट में आपका 1, जिसके साथ अभी 2 खाने खाली है, मतलब वैल्यूज डाल सकते हो। इसके साथ हो गया 3, इसके साथ भी 2 खाने खाली है, वैल्यूज डाल सकते हो। 5 इधर आ गया, इसके साथ भी 2 खाने खाली है, आप डाल सकते हो वैल्यू। और 6 के
राइट में क्या बन गया, 7 और 8, और एक खाना भी खा लिए। तो देखो अब आपका रूट भी फुल हो गया, और रूट के मैक्सिमम चिल्ड्रन देखो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, विच इज इक्वल टू द ऑर्डर, दैट इज 4। अब इससे ज्यादा चिल्ड्रन इसके नहीं हो सकते, आपको पता भी लग जाएगा कैसे। अब देखो नेक्स्ट एलिमेंट आया 9, डाल दिया यहां पे प्रॉपरली डल गया। नेक्स्ट एलिमेंट आया 10, मतलब 6 से बड़ा है, BST की तरह काम करना है, 6 से बड़ा है इधर चले गए, 10, 7 और 8 9 से बड़ा है, तो आपको इस तरीके से डालना है, मतलब यहां पे पहुंच गया। अब देखो 7 8 9 10 में से मीडियन निकाला, लेफ्ट वाले को उठाया 8, अब 8 को ऊपर पहुंचा दूं, 8 को ऊपर पहुंचा दिया, लेट्स सपोज 8 ऊपर आ गया। जब 8 ऊपर आएगा तो देखो यहां पे दो स्टेप हो रहे हैं, जैसे ही आपने लेट्स सपोज 8 को ऊपर पहुंचा दिया, जैसे ही 8 ऊपर आएगा तो ऑब्वियसली ये ओवरफ्लो हो जाएगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी फिक्स है, 2, 4 और 6 ऑलरेडी पूरे भर चुके हैं, तो 8 क्या आती है ओवरफ्लो। अब आपको क्या करना है, अब रूट को फिर ब्रेक कर दो, मतलब 2, 4, 6, 8 में से अब फिर वही मीडियन निकाला, 4 आया, वही लेफ्ट वाला मीडियन हमेशा लेफ्ट वाले को फॉलो कर रहे हैं, तो 4 और ऊपर चला गया, मतलब इसका अब एक नया रूट बन गया 4, इस तरीके से। इसको मैं पूरा डायग्राम से आपको बता देता हूं, ये इस तरीके से, ये आपके ब्लॉक पॉइंटर्स हो गए ये वाले, ठीक है, और ये आपके बीच में रिकॉर्ड, रिकॉर्ड के लिए अभी 2 खाली है। नेक्स्ट ये देखो 4, 2 आपका इस तरफ आ गया, 2 आपका इस तरफ आ गया, और 6 और 8 आपका इस तरफ आ गया, मतलब इस तरीके से आप बना लो, 6 ये रहा और 8 ये रहा, एक खाना अभी खाली है। अब देखो 2 के लेफ्ट में कौन है, 2 के लेफ्ट में आपका 1 है, और 3 का है, 3 ये रहा, 2 के राइट में और 4 के लेफ्ट में, 4 से छोटा है 2 से बड़ा है, तो देखो 2 के राइट में 4 के लेफ्ट में, देन 5 जो है वो 4 से बड़ा है लेकिन 6 से छोटा है, तो यहां पे आ गया, 7 6 से बड़ा है तो यहां पे आ गया, 8 9 और 10 आपके यहां पे आ गए क्योंकि वो 8 से बड़े हैं। तो ये देखो ये फाइनली आपका बी ट्री जो है वो इस तरीके से बन गया। तो ये आपके ब्लॉक पॉइंटर्स हैं, ये आपके आपके की वैल्यूज हैं, तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंसर्ट करने के बाद हु विल बी एट द रूट लेवल, या फिर कितने यहाँ पे लेवल बनेंगे। तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइट की, तो हाइट कितनी होगी, 2, 1, 2। लेवल की बात करें तो ये लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, तो आपके जो है वो 3 लेवल्स यहाँ पे हो गए, हाइट जो है वो 2 है। इस तरीके से आपसे काफी क्वेश्चन जो है इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो से आई एक्सपेक्ट कि आपको पता लग गया कि कैसे इंसर्ट करते हैं, ऑर्डर का मतलब क्या है, मैक्सिमम मिनिमम कीज़ हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंसर्शन इनटू बी ट्री। थैंक यू।